गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका राज की दुनिया में। बच्चों का ब्रेकफास्ट हो चुका है। इस वीक सारे टिप हम वंशिका के साथ भी करेंगे, तो आज वंशिका बताएगी मम्मा ने क्या टिप लगाया है। राइस वाटर। सॉरी, आप खा रहे हो बच्चों, कंटिन्यू। तो श्रेया को, श्रेया इज नॉट कॉन्फिडेंट, तो फोर्स नहीं करना चाहिए, तो उसका मन बालेगा तो राइस वाटर निकला पड़ा है, आप लगा सकते हो। तो वंशिका को क्यों बिंदास में लगा दिया, क्योंकि शादी के पहले भी हम दोनों करते थे ये सब। वंशिका को मैं हर चीज़ ये फेस पे अप्लाई करती थी और उसको सूट करता है ये सब। तो आज ये रिपीट है, जो न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो फैमिली में जुड़े हमारे राज की, उनके लिए ये रिपीट है राइस वाटर। आज हमने बॉयल राइस बनाया लंच में दाल के संग, बहुत यमी दाल बनाई है हमारी सिल्वी ने, सांभर जैसी। तो इसीलिए मैंने सुबह ही बोल दिया सिल्वी को कि आप राइस वाटर निकाल दीजिएगा। तो वंशिका के साथ ये सारे टिप होंगे आप, और वन वीक बाद आप बताइएगा कुछ डिफरेंस लगा। वैसे ऐसी कुछ ज़रूरत है नहीं उसको, अगेन जैसी मामा वैसी डॉटर, हम लोगों को थोड़ा सा आइज में प्रेशर देना पड़ता है, तो वो ही उसके लिए भी है। और हर स्केड्यूल इज़ लाइक मेकअप एवरीथिंग, तो थोड़ा सा उसकी स्किन को रेस्ट मिलेगा इस वीक। तो ये था आज का टिप, चावल उबालिए, उसका पानी निकाल लीजिए, बॉयल राइस का वाटर है ये जो, और पानी ठंडा होने दीजिए, बॉइलिंग वाटर, बिकॉज ये रिपीट है, इसीलिए मैं थोड़ा क्विक बता रही हूँ गाइस कि आप बोर नहीं हो। उबला हुआ पानी निकाली उसे लोग ये मेरा मजाक बना रहे कि उबला पानी नहीं मुँह पे, पर मेरी ऑडियंस को पता है कि इसको फ्रिज में रखना है, ठंडा करना है, गरम गरम नहीं लगा लेना है, ठीक है। तो वंशिका के भी लगा हुआ है, मेरे भी लगा हुआ, अब हम वॉश करके अपना फेस आपको दिखाएंगे। टिल देन बाय। आज से छूटा है, पर इसे ये नहीं पता कि वंशिका इसे चिमड़ी हुई है पीछे। मैंने तो ये बहुत टिप यूज करी है शादी से पहले, तो आई थिंक नो की वर्क्स इफेक्टिवली, क्योंकि हम लोग तो रात को, मतलब हफ्ते में तो रोज ही लगाते थे, तो आई नो दिस वर्क्स। सो श्रेया इज द न्यू बी हियर। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मेरी स्किन थोड़ी लाइक सेंसिटिव है, बट बहुत अच्छा इफेक्ट है, शाइन आ गया। थैंक यू। अभी हम तीनों ने फेस वॉश किया और आपके संग फीडबैक शेयर कर रहे हैं, जिसमें श्रेया इज द न्यू मैम। थैंक यू श्रेया, तो आप श्योर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे? यस एब्सोल्युटली, नहीं लगाता ये, बने रहिए तेरे मुंह पे तो। और गाइस, ये सेकंड टोट का वंशिका के लिए, तो जो मैं नहीं लगाती हूँ आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया, बादाम रोगन, तो ये डार्क सर्कल्स हटाने के लिए बहुत हेल्प करता है। आई विल मेक अ ब्रीफ वीडियो ऑन दिस, बट कर रही थी अभी तो मुझे लगा आपके संग शेयर करती हूँ, बने रहिए रिजल्ट के लिए। गाइस, अब हम सब में मनीष गॉन टू ऑफिस, हर्षित जा चुके हैं, और हम सब ने डिसाइड किया कि हम सोएंगे हैं, और शाम के लिए जगह डिसाइड अभी तक तो हो नहीं पाई है, जो दोपहर से हो रही है। और ये देखिए, हम सब ने अपने अपने कॉन्टैक्ट्स लगा दिए हर जगह, कबीर के कॉन्टैक्ट्स, श्रेया के कुछ थे, इनके तो आई थिंक हॉस्कास विलेज में दुनिया भर के कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं कह रही हूँ कि इनके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि इन्होंने डियर डोना भी हॉस्कास विलेज में खोला। तो मैं एक जगह डिसाइड नहीं, इसे ही कहते जब आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो ना तो आप कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। तो फाइनली वी लैंडेड कि हम एक घंटा नैप लेंगे, क्योंकि बच्चे सोए 5:30 बजे और मैं सोने 3 बजे, और हमें एक घंटे तक ऑलमोस्ट हर जगह उसे रिवर्ट भी आ जाएगा, तो हम लोग सोने वाले हैं। मेरी आंखों पे लगा है बादाम रोगन, इसलिए मैं आंखें ऐसे करती हूं, और कभी तो पता ही नहीं भाई, बहुत ज़्यादा और कॉन्टैक्ट से बात कर रहा है उसके सत्य निकेतन में। तो आई एक्चुअली मैं ये फन मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आई शेयर विद यू। तो धमका कर अब खाना खिलाया जा रहा है, लंच टाइम 5:00। कोई धमकी नहीं मिली, धमकी मिली है इन्हें, धमकी मिली है और डर से ये लोग खाना खा रहे हैं 5 बजे। रैट्स की दुनिया में हुई रैट्स की दहशत। यस, थैंक यू।
फॉर द टाइटल। गाइस आज घर में लुक दिखाने का मौका नहीं मिला है, वहां पहुंचकर आपको दिखाऊंगी लुक। हम निकल पड़े हैं आज इवनिंग डिनर के लिए, तो ये मेरी लड़कियों को तो आप देख लीजिए और लड़कों को मैं वहां जाके दिखा दूंगी आपको, तो बने रहिए, बने तो रहिए। और मैं आपको एक्चुअली मैं घर से ब्लॉग करना चाहती थी बट आज डे वॉज मैं आ गई तो वही हम गॉसिप पे बैठ जाते हैं, तो फिर एट द टाइम लास्ट मिनट फटाफट तैयार होना, अफीम वाले दाल चावल खिलाए थे, सब सो गए थे। हाँ, सच्चाई है थोड़ा सा सो भी गए थे, तो निकलते हुए व्लॉग नहीं कर पाई, तो आपको लुक वहाँ पहुँच के दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कहाँ जा रहे। बने रहिए इस इवनिंग के लिए, मिलते हैं हम लोग बने फन के लिए। उसके लिए भी एग्जाम है, FYI। तो बने हुए हैं कब से बोल रहे हैं बस